सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नीश एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलर नीश व्लॉग। तो आज मैं अपनी एक्सट्रीम 200 ऐप, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यूज़ करता हूँ हीरो की एक्सट्रीम 200R और इसको मैं अभी लेके जाने वाला हूँ 6000 से 7000 किलोमीटर राइड पे आने वाले हफ्ते में। तो सबसे ज़रूरी बात आती है सर्विसिंग की, तो इसको पहले सर्विसिंग कराना है और कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो मुझे चेंज करने हैं। हालांकि इसका जो इंजन ऑयल है वो मैंने एक हफ्ते पहले चेंज किया था, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। अब बारी है इसका एयर फिल्टर चेंज करने की। और एक्सट्रीम 200R अगर कोई यूज़ करता है तो उसको पता है कि इसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं रहता हूँ मुंबई में, सो मैं लैमिंगटन रोड गया था, वहाँ से मैंने एक्सट्रीम 200R का एयर फिल्टर लेके आया हूँ। तो ये है एयर फिल्टर, ये भी मिलना मुश्किल है। फिर ये नया एयर फिल्टर डालेंगे और इसका जो कॉस्ट है ना, मतलब भाई साहब वहाँ पे सब सस्ता ही मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 142, ठीक है, तो ये मुझे 140 रुपये में आया है ये एयर फिल्टर। तो अभी इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इसमें। इसका जो ऑलरेडी है इसके अंदर वो हो गया है ख़राब, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा काला हो गया है वो। एक्चुअली लास्ट टाइम ही चेंज करना था बट वो कुछ रीज़न से हुआ नहीं, क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रहा था। तो अभी मिला है तो अभी ये चेंज करूँगा और कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो मुझे चेक करवानी है। आप किसी के पास भी अगर एक्सट्रीम 200R है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, फिर कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये गाड़ी के साथ ना मैं बहुत यूज़र फ्रेंडली होगा, तो इसका ना नस नस मुझे पता चल गया है। तो इसका जैसे कि इंजन का प्रॉब्लम बहुत लोग बोलते हैं, टाइपर का प्रॉब्लम ये वो, तो मैंने भी इस पर काफ़ी सारी रिसर्च करी रखी है। तो कुछ कुछ इंजन में है लेकिन वो सॉल्व कैसे करने का वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। और कुछ कुछ इसमें है नहीं लेकिन इसका नॉइस जो है, इंजन का जो नॉइस है वही कुछ इस तरह का है, तो अपने को लगता है कि इसमें टाइपर प्रॉब्लम है, पर ऐसा कि नहीं है। बहुत साल हो गए मुझे एक्सट्रीम 200R यूज़ करते हुए और इस पर मैंने बहुत लंबी लंबी राइड की है, अभी भी लंबी राइड होने वाली है। मेरे ख्याल से इतनी लंबी राइड करने वाला एक्सट्रीम 200R को लेके मैं अकेला ही बंदा हूँ। बहुत सारे लोग जो हायर CC वगैरह लेके जाते हैं, बट अपने को ज़रूरत नहीं, अपने लिए तो यही एकदम बेस्ट है अपनी मिनी टाइगर। तो अभी निकलते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और कुछ छोटी मोटी सेटिंग से वो करवाते हैं, क्योंकि भाई जो जगह पे मैं जाने वाला हूँ अंदाज़ा तो खैर आपको आ गया रहेगा, क्योंकि जून हो गया है, सीज़न का टाइम हो गया है, तो वहाँ पे मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं चाहिए। तो चलो निकलते हैं फटाफट, गैरेज पे चलते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना इसमें, अभी मुझे फ़िलहाल मतलब महीने डेढ़ महीने से आ रही है, वो है एवरेज की। इसका एवरेज बहुत गिर गया है पहले का और अभी में, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। तो वो मुझे एक्चुअली आज सॉल्व करवाना ही कुछ भी करके, क्योंकि फिर इतनी लंबी राइड पे जाने के बाद पेट्रोल की अगर बैन लग गई ना, तो फिर अपना बजट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चला जाएगा। तो वो मुझे आज जमा से पर्पजली चेक करवाने के भाई क्या हुआ है इसका, जिसकी वजह से इसका एवरेज गिर गया है। या तो इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज का डाउन होना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोरेटर पर ही डिपेंड होता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया रहेगा तो वो चेक करेंगे। बाकी सब तो ठीक है, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे लगता है बाकी सब मैंने चेक करवा लिया। अब बस कार्बोरेटर की बात है तो वो तो अपने जमाल भाई ठीक कर सकते हैं। और इंजन ऑयल तो मैंने लास्ट मंथ मतलब लास्ट वीक ही चेंज किया था, और इसमें 1.2 लीटर का इंजन ऑयल लगता है, ऑलरेडी मैंने इस पर डाल के रखा है और उसके बाद गाड़ी कहीं चला ही नहीं है। हार्डली मैं शाहपुर गया था और एक दो जगह गया था, और हाँ शायद मैं बताना भूल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस लंबी राइड ही कर रहा था। मैं जा रहा हूँ भाई लद्दाख। 2019 में मैं गया था, तभी भी मेरे पास यही बाइक थी, हालांकि मेरे पास कैमरा उतना अच्छा नहीं था और ना के कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट थी, उसके बावजूद मैंने 2019 में लद्दाख कम्प्लीट करी थी। और इस टाइम 2023 में मैं फिर से लद्दाख राइड करने जा रहा हूँ, और ऑफिस से ऑफिसली मुझे छुट्टी वुट्टी नहीं मिली है, लात मार दी, मतलब मारूंगा अगर नहीं दी तो भी, लेकिन भाई अपना तो जाना कन्फर्म है, छुट्टी देवे कि नहीं देवे, लेकिन भाई अपना लद्दाख ज़रूरी है, लद्दाख होना ही चाहिए, एक ही तो ज़िंदगी है भाई, काम करते करते थोड़ी मरना है। नरेश कैमरा देख के पहचान जाता है तू कौन आए, ये अच्छा है स्पार्क वाला, तो क्या रीजन है ना? वाइट है तो एवरेज तो इसका ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? एवरेज बहुत है, कार्बोरेटर में कुछ प्रॉब्लम। अभी एयर का थोड़ा सा आधा सेटिंग बढ़ाता हूँ, फिर माइलेज देखिए आप कितना दे रही है। फिल्टर भी अपन चेंज कर देते हैं, एयर फिल्टर चेंज करें। कार्बोरेटर में अभी क्या दिक्कत है? ओके ओके अभी कुछ दिक्कत नहीं है, स्पार्क प्लग तो अपना पूरा वाइट है। हाँ एयर फिल्टर लाया तब से चेंज किया ही नहीं है।
तो अभी ये एयर फिल्टर लगाएंगे और एक्स्ट्रीम 200 आर का एयर फिल्टर या सीट के नीचे ही है। तो उसके लिए बेसिकली ये पहला पैनल खोलना पड़ेगा, देन ये रबर का स्कॉच, उसके अंदर एयर फिल्टर रहेगा अपना। एयर फिल्टर पूरा काला हो गया था, लास्ट टाइम भी ठीक था, चला के लिया था, बट अभी मेरे को कोई रिस्क नहीं लेने का है, सो चेंज ही करते ना इसको बेटर। परफेक्ट आया ना, क्योंकि उससे मैंने ऐसे फ़ोटो दिखा के लिया था। तो बेसिकली नया एयर फिल्टर अपना लग चुका है और ये पुराना वाला अब इसकी पूरी हालत ख़राब हो गई है, तो देखते हैं इसको चेंज करके अपने एवरेज पे क्या इफेक्ट आता है। अब ये चेन वाला पैनल खोल के देखते हैं, इसके अंदर कुछ कचरा वगैरह रहता है हमेशा, जो अपना इंजन ऑयल रहता है उसका जमा रहता है, तो फिर अभी देखते हैं वो खोल के, उसके अंदर अगर कचरा रहेगा तो साफ़ करेंगे और चेन को भी थोड़ा सा लूप कर लेंगे। तो ये पार्ट निकाला है यहाँ से, अभी इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है, अभी इसको साफ़ करेंगे और ये चेन को भी थोड़ा सा पानी मार के साफ़ करेंगे। तो बाइक वॉश करने जा रहा हूँ अभी और वहीं से ये सब क्लीन करके लेता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से भी एवरेज पे इफेक्ट आता है। बाइक अच्छी खासी मस्त टकाटक वॉश हो गया है और अब ये पैनल को लगाएंगे हमारे अफजल भाई। चेन स्प्रे है क्या अफजल? चल, नहीं तो मेरे पास तो है ही। तो ऑलमोस्ट आई फिनिश ऑल वर्क ऑफ माई बाइक। आई एम जमाल बयान, दिस इज ऑल माई सब्सक्राइबर। तो अभी कुछ खाने के लिए आए, खाते और फिर मुझे घर पे भी निकलना है, घर पे भी थोड़ा बहुत काम है, लेकिन बाइक का काम अपना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। जमाल फिनिश हो गया ना भाई? Okay. अभी कुछ बचा नहीं ना, 8000 किलोमीटर जाएगी ना आराम से। चलो अभी जमाल भाई का गारंटी है, तो जमाल बाबा गाड़ी का काम होगा, गाड़ी एकदम टकाटक खड़ी है। चल अफजल भाई, चल, थैंक यू। हाँ, टाइम 2:04 हुए और आज डेट भी है 4 जून, और 9 या 10 तारीख को मुझे निकलना है लद्दाख के लिए, लेकिन वहाँ सामने देखो पूरा बारिश जैसा सीन हो रहा है। अरे यार, और हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, मुझे फटाफट घर पहुँचना चाहिए। घर मेरा यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पे है, किलोमीटर पे है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहुँचने से पहले बारिश आ जाएगी। यार शिट शिट शिट, टाइम पास कर रहा था वहाँ पर बैठे बैठे, एक्चुअली कुछ सब्सक्राइबर मिले उनसे बात कर रहा था, लेकिन अब भागना पड़ेगा भाई। इतनी अच्छी खासी बाइक वॉश की थी, वापस से ख़राब हो गई। बारिश तो है थोड़ी थोड़ी चालू, हाईवे पे बहुत ज़्यादा थे, इसके लिए मैं गोप्रो पे निकाल के अंदर रख दिया था। एक्चुअली मुझे चेन लूप भी करवानी है, बट अभी बारिश में आया ना तो थोड़ा सा पानी उस पर ऊपर है, और अभी मैं चेन लूप करूँगा तो जंग पकड़ जाएगा, तो अभी रखने देता हूँ, सूख जाएगी उसके बाद चेन लूप करूँगा। फंडा भी ऐसा है ना, अभी मैं जैसे हवे से आ रहा था ना, कम से कम 13 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया और अभी ना थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया, मतलब जो एयर अच्छी खासी पकड़ रही है बाइक, और वो थोड़ा सा स्मूथनेस है ना वो मैं फील किया बाइक में। तो मुझे लगता है कि यस, एयर फिल्टर की वजह से शायद दिक्कत हो सकती थी मुझे एवरेज की, तो अभी खैर अभी पता नहीं चलेगा, अभी जब राइड में मैं निकलूंगा तभी पता चलेगा। तो 9-10 तारीख से मेरे वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे लद्दाख के, तो फिर आप चैनल पे ज़रूर बने रहना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकॉन हिट कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको चैनल का नाम जानना है तो ये यहाँ पे लिखा है ट्रैवलर निश व्लॉग्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।